गुड मॉर्निंग। आज हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई चुंबक होती है, ये कोई चुंबक है। इस चुंबक के पास जब कोई लोहे का टुकड़ा लगे हो तो वो टुकड़ा क्या अनुभव करता है, बल अनुभव करता है। लेकिन वो इस लोहे का टुकड़ा इस चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक ही बल अनुभव करता है। इसके बाद में यदि लोहे का टुकड़ा माना यहां है तो यहां बल अनुभव नहीं करेगा। जैसे ही इसके अंदर लागे बल अनुभव करेगा। तो चुंबक के चारों ओर ये जो क्षेत्र है जिसमें लोहे का टुकड़ा बल अनुभव कर रहा है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये कोई आवेश है, इस आवेश के पास कोई अन्य आवेश लाया जाता है, ये कोई अन्य आवेश ला रहे हैं। अन्य आवेश लाया जाता है तो ये क्या अनुभव करेगा, बल अनुभव करेगा। लेकिन ये बल एक निश्चित क्षेत्र में ही अनुभव करता है। इसके बाद में यदि आवेश को तुम इस क्षेत्र के बाहर ले जाओगे, यहां ये आवेश पूरी भी बल अनुभव नहीं करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हुई कि आवेश या आवेशों का कोई समूह है। मान लो कि यहां एक आवेश नहीं है, क्यों रखा हुआ है, आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल अनुभव करे, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा लिखो, आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल अनुभव करता हो, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी परिभाषा लिखो, अथवा लगा के या लगा के लिखो, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश अपना प्रभाव दर्शाता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश अपना प्रभाव दर्शाता हो। आवेश अपना क्या प्रभाव दर्शाएगा, आवेश ही तो प्रभाव दर्शाएगा कि उसके पास कोई दूसरा आवेश आएंगे तो उस पर क्या बल अनुभव होगा। जैसे कोई
घर पे एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते का क्षेत्र कितना होता है जिसमें वो अपना प्रभाव दर्शाता है? वो कुत्ता जिस घर पर रहता है उस घर की जितनी बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के अंदर ही अपना प्रभाव दर्शाता है, इसके बाहर अपना प्रभाव नहीं दर्शाता। तो इस कुत्ते का चित्रकल उस घर तक ही सीमित होता है। जैसे अध्यापक होता है, उस अध्यापक का चित्र कितनी दूर तक होता है? विद्यालय तक ही होता है, जिस विद्यालय में वो पढ़ाता है। इसके बाद में देखो, अब ये विद्युत क्षेत्र अनुभव करता है, ये कोई आवेश है। इसके पास में हमने कोई ये आवेश लाया है, ये इसके चारों ओर लाने पर बल अनुभव कर रहा है। ये यहां बल अनुभव करेगा, यहां रहूंगा तो भी बल अनुभव करेगा, क्योंकि यहां इसका विद्युत क्षेत्र माना यहां तक है, यहां रहूंगा तो भी करेगा। अब ये यहां लाएंगे तो अधिक करेगा, यहां ले जाएंगे तो थोड़ा कम, यहां ले जाएंगे और कम, यहां ले जाएंगे और कम। ये आपने कूलाम नियम से देखा होगा कि आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल घटेगा। तो ये यहां है क्या आवेश, अब इस पर कितना बल लग रहा है वो इस दूरी पर डिपेंड करेगा। ये दूरी कम होगी तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, यहां इसका मान कितना है, यहां इसका मान कितना है, वो देखने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। अगला पॉइंट लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होती है, ये कोई माना आवेश है। इसके पास में कोई अन्य परीक्षण धनावेश लाया जाता है, तो यहां पर यदि हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र इनके कारण जो बल अनुभव होगा और ये जो परीक्षण धनावेश है उन दोनों का अनुपात होगा, उसके बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धना एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक परीक्षण धनावेश से यहां से इसका सूत्र देखते हैं, किसे ई से कैपिटल ई से दर्शाते हैं। अब यहां से इसका गणितीय निरूपण देखते हैं कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बराबर एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश जिसे हम एकांक मानते हैं उसे नीचे लिख देते, पर लगने वाला बल, ये इसका
गणितीय निरूपण हो गया। अब इस जो परिभाषा थी, इस परिभाषा में एक नया शब्द और आया, एकांक परीक्षण धनावेश। ये जो परीक्षण धनावेश है ना, ये परीक्षण धनावेश एक सूक्ष्म आवेश क्यू नोट होता है। इस परीक्षण धनावेश के खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता, खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये बिल्कुल गरीब होता है। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, पर ये जो भी मिलता है उसे लेता है। ये कोई दूसरा आवेश है, खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये नगण्य है, एक काल्पनिक है, इसे नगण्य है। ये जो परीक्षण आवेश माना जाता है वो हमेशा धनावेश माना जाएगा। खुद का क्षेत्र नहीं होता, लेकिन ये जब दूसरे किसी के क्षेत्र में चला जाता है, दूसरे आवेश के क्षेत्र में चला जाता है, तो ये बल का अनुभव करता है। यही क्या है, परीक्षण धनावेश है। ये एक काल्पनिक आवेश है। ये जो गुलाम भैया थे, गुलाम भैया ने जो गुलाम के नियम दिए थे उसमें इसका उपयोग किया गया था। तो यहां से इसका लिखो, इसके कुछ पॉइंट लिखो, इसका मार्कर लिखो। यहां से इसका मात्रक क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। नीचे क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलम। या इसका एक दूसरा मात्रक बनाते हैं, जो न्यूटन प्रति कूलम है, इसको मैं ऊपर नीचे मीटर से गुणा कर देता हूं। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। अब ये जूल प्रति कूलम किसका मात्रक होगा, ये होगा विभव, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके दो मात्रक आए, एक आया न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा क्या आया, वोल्ट प्रति मीटर। अगला लिखो इसकी विमा। यहां से इसकी विमा निकालते हैं, न्यूटन। न्यूटन के लिए विमा क्या होगी, L1 3 माइनस 2, और आवेश आवेश की विमा A1 T1। इसको ऊपर ले जाएंगे, M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अगला लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक सदिश राशि है। इसे ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन क्यू नोट। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसके बारे में लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के अनुदिश होगी। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की क्या होगी, दिशा होगी। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा उधर होगी जिधर बल की दिशा होगी।
ये प्लस क्यों आवेश है, इस प्लस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की तरह होगी। इसकी दिशा याद करने के लिए क्या करेंगे, इसके पास परीक्षण आवेश रहेंगे, परीक्षण आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा, तो धनावेश धनावेश की दिशा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब इसकी दिशा इससे दूर होगी, तो ये धनावेश के कारण होगी। इसी प्रकार ये मान लिया कोई ऋणावेश है, इसके पास में परीक्षण धनावेश रहेंगे, धनावेश ऋणावेश के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो यहां बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी, अंदर की ओर। तो याद रखना धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर तथा ऋणावेश के कारण अपनी ओर होती है। यहां हमने इसका मात्रक देख लिया, इसके बाद में देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई आवेश होगा उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें लिखो माना कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने क्या माना, हमने कोई प्लस क्यू आवेश माना, इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई परीक्षण धनावेश क्यू नॉट स्थित है, इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, इसके कारण बल ज्ञात करते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल, बल कितना होगा, बल कितना होता है, F बराबर के क्यू वन क्यू टू, तो यहां क्यू वन क्या है, क्यू क्यू टू क्या है, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर एक दे दिया। अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा से हमने क्या देखा था, E बराबर क्या देखा था, F अपॉन क्यू नोट, इसे समीकरण नंबर दो दे दिया। अब ये जो F का मान है वो समीकरण दो में रख दो, समीकरण एक व दो से जब एक का मान समीकरण दो में लिखोगे तो F E बराबर क्या आएगा, K Q Q नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q
क्यू नोट, क्यू नोट ऊपर है, क्यू नोट नीचे है, आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र आया, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से इसका सदिश निरूपण देख लो, ई सदिश बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के, ये इसका सदिश निरूपण हो गया। हमने एक आवेश प्लस क्यों माना, इससे आठ आठ दूरी पर क्यू नोट परीक्षण धनावेश माना, इसके कारण इस पर बल होगा तो किधर रहेगा, बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी। यहां से सबसे पहले हमने बल ज्ञात किया F बराबर के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या देखा, E बराबर F अपॉन क्यू नोट F की जगह के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, फिर क्यू नोट से क्यू नोट गया तो E बराबर F के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका सदिश निरूपण E सदिश बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। ये तो किसके कारण था, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब यदि आपसे पूछे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो यहां क्या करना है, माइनस क्यू आवेश करोगे, माइनस क्यू आवेश करने के बाद में यहां भी क्या होगा, माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, तो अब इस पर और इस पर बल की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी, तो बल की दिशा अंदर की ओर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अंदर की ओर होगी, तो यहां और सारा क्या होगा समान होगा, क्या दिशा ही किधर होगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहां लिख लो, यदि माइनस क्यू आवेश हो तो ई सदिश बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस आर। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है विद्युत बल रेखाएं, देखो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसमें लिखो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ होता है जिसके अनुदिश परीक्षण धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में
खींचा गया वह काल्पनिक विस्कोण वक्र पर होता है जिसके अनुदिश परीक्षण धनावेश क्या करता है, गति करता है। इनकी दिशा किधर होगी, ये हमेशा विद्युत बल रेखाएं कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न के किधर होती है, लंबवत होती है। अंदर होगी तो भी लंबवत होगी, बाहर जाएगी तो भी नीचे होगी, लंबवत होगी। तो विद्युत विद्युत बल रेखाएं धनावेश के कारण लंबवत बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण लंबवत अंदर की ओर होती है। धनावेश के कारण लंबवत बाहर की ओर होगी और ऋणावेश के कारण लंबवत अंदर की ओर होगी। अभी विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा पढ़ ली, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में लिखो, पहला गुणधर्म है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं कहां से, धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएगी। जिसे ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इनकी दिशा किधर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। दूसरा मंत्र लिखो, विद्युत बल रेखाओं विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। इसे मान लिया ये कोई विद्युत बल रेखा है। अब यदि हमको इस पॉइंट पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसको क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा क्या होगी, वो क्या दर्शाएगी, तो विद्युत इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी। अब यदि इस पॉइंट पर खींचे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगी। अगला पॉइंट लिखो, विद्युत बल रेखाएं
काल्पनिक व खुले पथ का निर्माण करती है। खुले पथ का मतलब कि धनावेश से जाकर ऋणावेश पर खत्म हो जाएगी। ये क्या है खुला पथ? ये बंद पथ कब होता? यदि धनावेश पर जाती, धनावेश से ऋणावेश पर जाती और फिर ऋणावेश से वापस धनावेश पर आती तो एक बंद पथ का निर्माण होता, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती है, एक खुले पथ का निर्माण करती है। चौथा पॉइंट लिखो, विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु पर इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी। मान लिया ये कोई विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, ये आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी तो एक तो दिशा इसकी इधर होगी, इधर होगी, फिर ये तीन करती तो एक इधर हो जाएगी, तो यहां एक से अधिक दिशाएं हो जाएगी। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक से अधिक नहीं होती, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला लिखो, विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है, विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी अधिक होती है। जहां विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? अधिक होगी। और जहां ये विद्युत बल रेखाएं कम होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? कम होगी। विद्युत अगला लिखो, छठा लिखो, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत बल रेखाएं कोई चालक पदार्थ होगा उसे चालक पदार्थ के अंदर प्रवेश
आवेश केवल चालक पदार्थ की सतह पर ही होता है। तो विद्युत बल रेखाएं भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसका डायग्राम बना लो, मान लो कोई डायग्राम दिया हुआ हो और पूछे निम्न में से कौन सा डायग्राम सही है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ये चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगे। माना ये कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेगी और ये पृष्ठ के लंबवत रहेगी। इसे अगली क्लास के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विद्रापण के आधार पर याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।